तो मैं बहुत टाइम से फ्री फायर खेल रहा हूँ एंड लिटरली भाई हर दिन एक वीडियो डालना मेरे लिए रेगुलर हो चुका है और यूट्यूब पे हर दिन मेरा फ्री फायर का वीडियो आ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्री फायर से मैं एक भी सब्सक्राइबर बढ़ाया हूँ और यूट्यूब से जितना मेरा फ्री फायर का ऑडियंस आया है वही है। फ्री फायर से मैं एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा हूँ एंड आज ट्राई करने वाला हूँ मैं फ्री फायर से क्या सब्सक्राइबर बढ़ा पाऊंगा नहीं एंड कितना बढ़ा पाऊंगा, एक दिन में हमारा सब्सक्राइबर कितना बढ़ सकता है। बहुत सारे रैंडम प्लेयर तो ऐसे होते हैं कि बोल के आता हूं सब्सक्राइब करूंगा बट वो करता ही नहीं है, वो सब तो देखना पड़ेगा एंड मैं ट्राई करने वाला हूँ आज सब्सक्राइब बढ़ाने। और मेरे को तो नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं एंड हर एक प्लेयर को बोलूंगा तो कोई ना कोई तो ये जरूर बोल देगा मेरा आइडिया भी स्कैम कर लोगे, वो सब तो मेरे बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मेरा करंट टाइम पे सब्सक्राइबर 5632 है जो कि अभी से मैं बढ़ाने वाला हूँ। और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जो मेरे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज लाइक कर देना, हो सके भाई एक बार और वीडियो देख लेना। मेरा चैनल बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है जिसके कारण भाई मेरा रीच भी नहीं आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज एक बार वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे तो भाई सबसे बेस्ट मेरे को तरीका लगता है लॉबी एंड सोशल लैंड। सबसे पहले मैं ट्राई करने लगता हूँ लॉबी जो कि वर्ल्ड से बंदे बुलाना है मेरे को। मैं यहाँ पे ग्रुप बना के एंड वर्ल्ड मेरे को भेज रहा था लेकिन यहाँ पे इलाइट हीरो का बंदा आएंगे तो भाई आप लोगों को पता है कितने एटीट्यूड से बात करेंगे, इसलिए भाई लो रैंक का बंदे बुलाते हैं। एंड मैं यहाँ पे प्लेटिनम का चूज करता हूँ जो कि यहाँ पे देखो दो प्लेयर है और अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ कि मैं मैसेज से ही बात करूँ एंड ये सबको थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करूँ बट देखना ये है क्या ये कर पाएगा नहीं। एंड मैं यहाँ पे माइक इसका ऑफ करने वाला हूँ कि बिल्कुल भी मेरे को बात नहीं करना है और ट्राई करता हूँ क्या मेरा मैसेज से हो पाएगा नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैसेज से बहुत ज्यादा बात किया एंड बहुत टाइम के बाद एक रिप्लाई मिला था एक प्लेयर ने, तो भाई यहाँ पे कौन सा लिखा। और मैं जल्दी से अपना YouTube चैनल का नाम लिखने लगता हूँ क्योंकि वो बंदा मेरा YouTube चैनल का नेम मांग रहा था, तो फटाफट यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ एंड मैं वेट करने लगता हूँ क्या वो सब्सक्राइब करेगा या नहीं। तो यहाँ पे तो मैं प्लीज सब्सक्राइब करके लिखा और देखना ये क्या यहाँ पे वो ओके वगैरह लिखेगा या नहीं। और बहुत टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग तीन बंदे हैं लेकिन अभी तक एक ही बंदा जो कि रिप्लाई दिया है और काफी ज्यादा वेट करने के बाद यहाँ पे 1 सेकंड लिखा एक प्लेयर ने, तो मेरे को पता चल गया ये सब्सक्राइब करने वाला है जो कि अभी फिलहाल के लिए वेट करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को मिल जाता है जो कि अभी तो फिलहाल के लिए मैं पूछ रहा हूँ बंदे से और यहाँ पे ये बोल देता हाँ। ये देखने के बाद मेरे को लगता है भाई ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है लेकिन हाँ थैंक्स बोल के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ जो कि अब देखना ये मेरा सब्सक्राइबर गेन हुआ है नहीं। वही देखने के लिए यहाँ पे तो मैं निकल जाता हूँ एंड देखने लगता हूँ क्या मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ा है नहीं। एंड भाई आने के बाद पता मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा ही नहीं था जो कि वो बंदा झूठ बोला एंड यही वाले बंदे से मेरे को बचना था, उसकी बहुत बुरा लगा बट क्या कर सकता है वो झूठ बोला या सच बोला। मैं नेक्स्ट ग्रुप ट्राई करने लगता हूं, ग्रुप तो बना लिया, एक प्लेयर आ गया जो कि वो तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था एंड यहाँ पे भाई बहुत ही बात करने की कोशिश कर रहा था जो कि मैसेज से बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। यहाँ पे पूरा स्क्वाड ही फुल हो गया था एंड एक एक प्लेयर से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था और बंदे को बताया जा रहा था कि मेरा यूट्यूब चैनल भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो और मैं माइक ऑन नहीं कर सकता हूँ, अभी फिलहाल के लिए माइक ऑन नहीं कर रहा, देखता हूँ कितना जल्दी मैं माइक बिना ऑन करे ही बढ़ा सकता हूँ। लेकिन अभी तक भाई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो कि मेरे को बहुत ही बुरा लगा था एंड देखते देखते यहाँ पे एक प्लेयर बोलते हो उसका तो यहाँ पे मैं वेट करने लगता हूँ कि भाई कब तक वो सब्सक्राइब कर देगा एंड ये बंदा बोल रहा सीएस, तो मैंने बोला भाई नहीं सब्सक्राइब करके आ जाओ फिर सीएस खेलेंगे, तो इसको तो बोला उसके बाद सीएस चला गया नहीं गया। इन हाँ मैं वेट बहुत ज्यादा किया था। अब यहाँ पे वो इमोट वगैरह दिखाने लगता है तो मेरे को लगता है चलो फिर मैं यहाँ पे ट्राई करने लगता हूँ उसे बात करने का क्या वो सब्सक्राइब किया है नहीं। एंड भाई यहाँ पे तो मैं पूछ रहा था बट फिर दूसरे बंदे आ रहे थे, हाँ ये बंदा नहीं गया था तो पूछना तो बनता है और दूसरे बंदे भी आ गए जो कि बातें कर रहा था बट मेरे को बातें नहीं करना, बट उससे मैं पूछ रहा था लेकिन रिप्लाई देने का नाम नहीं ले रहा था। एंड फिर मैं फिर से पूछा क्योंकि भाई मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ाना है और खेलना ही नहीं है, बट ये सब खेलने के लिए आया था जो कि मेरे को तो खेलने का बिल्कुल ही मूड नहीं है। एंड जैसे दिखा वो बंदा हाँ बोल दिया, फिर यहाँ पे मेरे को फिर से थैंक्स बोलना पड़ा एंड मेरे को वही डर था गाइस क्या ये सही में सही बोला या भाई झूठ बोला। वो देखने लिए फटाफट में आया था वाइट स्टूडियो पे जो कि अब तो देखना यहाँ पे मेरा प्लस हुआ है नहीं। और आने के बाद फिर से भाई मेरे को धोखा मिलता है जो कि बहुत ही बुरा लगा, एक भी सब्सक्राइब प्लस हो नहीं रहा है एंड बहुत टाइम मेरा हो भी गया था लगभग 40 मिनट से प्लस हो गया था लेकिन एक भी सब्सक्राइब में बढ़ा नहीं पाया था। लॉबी में तो मेरा सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ा, फिर मैं बिल्कुल भी लॉबी ट्राई नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं सोशल लैंड ट्राई किया एंड भाई इसमें बहुत ज्यादा फ्रेंड बनते हैं लेकिन यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ, मेरा फ्रेंड बनना वो कुछ मुश्किल है क्योंकि किसका फ्रेंड बनता है आप सभी को पता ही होगा। एंड यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ कोई मेरे को रिस्पॉन्स देगा तो शायद से मैं बनूंगा फ्रेंड एंड भाई उससे सब्सक्राइब कराऊंगा। तो यहाँ पे तो मैं देख लिया भाई यहाँ का क्या रूल है और रूल के हिसाब से मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी रहना नहीं चाहिए, समझ रहे हो, क्योंकि कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं बनने वाला था। तो वो तो मेरे को देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तो फटाफट मैं बैक करता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ट्राई करने वाला हूँ लॉन वॉल। लॉन वॉल में भाई 1v1 सीजन होता है, अगर मैं फाइट नहीं लूँ तो सामने वाले प्लेयर में फाइट नहीं ही लेना पड़ेगा।
अब वही सोच के यहाँ पे एनवी से मैं फ्रेंडशिप करने लगा एंड में सहारा गन फेंक दिया था, लेकिन मेरे को मार दिया यहाँ पे। एंड 5 राउंड है तो भाई 1 राउंड मारेगा कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ। अब इस राउंड में भी मैंने सारा गन वगैरह फेंक दिया था एंड फिर से मैं फ्रेंडशिप कर रहा था, लेकिन वो प्लेयर पता नहीं चल रहा था क्यों ऐसा कर रहा था भाई। फिर से मेरे को यहाँ पे मार दिया, लेकिन मैं फिर से ट्राई करने वाला क्योंकि मैं बिल्कुल ही फाइट करने के मूड में नहीं आया हूँ। यहाँ पे भाई प्लेयर से फ्रेंडशिप करने आया हूँ, तो अब क्या मेरा गन लेने का चांस है, तो भाई थोड़ा सा गन लेकर मैं आगे निकल जाता हूँ। वो बंदा तो यहाँ पे आ गया था एंड वो बंदा फ्रेंडशिप के लिए रेडी हो गया था, लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए थे और वो बंदा चीटिंग करने का मूड में आ गया था। मैं यहाँ पे इमोट वगैरह दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो प्लेयर देखो बैठ के पता नहीं मेरे को मुक्का मारा था, यहाँ फिर से मेरे को मार दिया। बुरा लगा अबे साले। अब 0-3 का सेवन हो गया है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है, मेरे को तो यहाँ पे फ्रेंडशिप करना है, तो इसलिए फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ। देखते ही देखते सामने वाले प्लेयर को काफी अच्छे तरीके से मैं फ्रेंड बना लिया था एंड इमोट वगैरह हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग वेट करने लगते हैं जोन का। एंड भाई मैं उसको बोया देने वाला हूँ, जो कि अभी ये ग्लोवर लगाने वाला है और मैं भी लगाऊंगा, अपने आप को पैक कर लूंगा। और ये सोच रहा था मेडिकेट चैलेंज होने वाला है, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं निकल जाता हूँ। एंड वो बंदा डर जाता है, लिटरली वो बंदा सोचता है मैं हार जाऊंगा, और भाई ये बंदे को मैं बोया देने के लिए फटाफट मैं आता हूँ जोन में, जो कि मेरे को फ्रेंडशिप करने, इसलिए ये वाला राउंड में हार जाता हूं एंड 0-4 हो जाता है। अब ये होने वाला है सामने वाले प्लेयर का फाइनल राउंड, जो कि यहां पे भाई वो बंदा पता नहीं क्यों चीटिंग कर रहा था एंड लिटरली भाई यहां पे मैं बिल्कुल भी नहीं मार रहा था, लेकिन वो बंदा माना ही नहीं एंड यहां पे मेरे को मार दिया। अब इसे क्या ही उम्मीद रखना, जब ये ऐसा यहाँ पे चीटिंग कर सकता तो क्या मेरा सब्सक्राइब करेगा। तो यहाँ पे तो हम लोग बहुत ही बुरे तरीके से भाई इससे भी हार जाते हैं एंड यहाँ पे बिल्कुल भी नाकामयाबी रहा। अब उसके बाद मैं फिर से मैच स्टार्ट करता हूँ, और हाँ ये तो मैं भूल गया था, सामने प्लेयर से फ्रेंडशिप करने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं उसको रिक्वेस्ट भी नहीं सेंड कर पाऊंगा और इधर वाले प्लेयर से मैं भाई बुला भी सकता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है, तो इसलिए मैं इससे बात कर रहा था एंड बहुत ज्यादा बात कर रहा था अपना माइक ऑन करके, क्योंकि आप लोगों को सुनने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो मैं बंदे से बात बहुत ज्यादा कर रहा था, लेकिन वो बंदा कुछ रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था एंड लिटरली ऐसे ही करते हम लोग 4 एंड 5 राउंड भी कर लेते, लेकिन एक बार भी इनने माइक ऑन करा ही नहीं था। बट हाँ यहाँ पे हमने बोया निकाल दिया था, तो उस बंदे को बुलाने का ट्राई करते हैं, अगर ये आएगा तो शायद से भाई फ्रेंडशिप बन सकता है, क्योंकि हम लोग बहुत ही अच्छा खासा खेले थे और बोया भी लिए थे। अभी तो फिलहाल के लिए इस बंदे को बुलाने वाला हूँ, जो कि भाई अभी तो फ्रेंड लिस्ट में आ चुका है, और यहाँ पे बुलाते वो बंदा लिटरली यहाँ पे मेरा ग्रुप में आ जाता है। अब आ तो जाता है, लेकिन इससे मैं बातें करने का ट्राई करता हूँ, बहुत टाइम तक बात करता हूँ भाई, पूरे मैच में ये ऑन किया ही नहीं माइक, फिर मैं इससे बात करने का ट्राई करता हूँ इस वाले मैच में। और भाई देखो यहाँ पे अपना चैनल का नाम दिया है, भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अपना फ्रेंड हो और साथ खेले। लेकिन वो बंदा क्या बोलता है, क्या बोलो गाइस, वो बोलता भाई पहले मैच खेलूंगा उसके बाद आऊंगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा था। एंड भाई इससे भी मैं नाकामयाबी रहा, क्योंकि ये बंदा ही मेरा चैनल को बहुत ही बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं किया। अब इतना कुछ देख लेने के बाद मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा था एंड भाई फ्री फायर कम्युनिटी में मेरे को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा, भाई मैं फ्री फायर का कंटेंट वगैरह डाला करता हूँ एंड फ्री फायर रिलेटेड मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन कोई मेरे को सपोर्ट करने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसलिए मेरे को बहुत ही बुरा लगा। फिर मैं सोचता हूँ चलो टीम का जरूरत पड़ेगा, मेरे को अकेले से होने वाला नहीं है, तो अपना मैं एक टीम को बुलाता हूँ एंड दोनों मिलकर बातें बातें करते हैं, क्योंकि हम दोनों फ्रेंड है एंड दो रैंडम फ्रेंड्स हम लोग बातें बातें कर रहे हैं। इस बार मैं माइक ऑन करके बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे को तो नहीं पता यहाँ पे क्या होने वाला है एंड मैंने तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नेम सेंड किया, रैंडम प्लेयर मांग रहा था, आप देखना ये मेरा सब्सक्राइब करेगा नहीं। अब बहुत ज्यादा मेहनत करने को लिटरली हमारा एक सब्सक्राइबर बढ़ता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा गाइस, इतना देर मेहनत करने के बाद हमारा एक सब्सक्राइबर प्लस हुआ एंड देखते हैं भाई कितने जल्दी मैं कितना और सब्सक्राइबर बढ़ा सकता हूं। मैं फिर से नेक्स्ट ग्रुप में आता हूँ एंड भाई फिर से एक प्लेयर ने बोल दिया हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं फटाफट जाता हूँ अपने सब्सक्राइबर चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा 31 सब्सक्राइब हो गया था और देखते तो मैं यहाँ पे 32 हो गया एंड भाई अच्छा लगा, क्योंकि भाई अभी से मेरा सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट हो गया एंड 32 भी सब्सक्राइबर हो गया, बंदा भी सब्सक्राइब कर दिया तो उसको भी थैंक यू बोल के एंड फिर नेक्स्ट वाले ग्रुप में निकल जाते हैं। अब उतना तो हम लोग कर लिए एंड एक ग्रुप से काम नहीं चलने वाला एंड एक वाले ग्रुप से हम लोग का काम नहीं चलने वाला था, इसलिए हम लोग नेक्स्ट ग्रुप बनाते हैं। और हाँ हम लोग यहाँ पे चारों बंदे और चारों बंदे सब्सक्राइबर ही बढ़ाने के लिए बैठे हैं, तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई अलग अलग होके एक एक ग्रुप बना के उसके बाद प्लेयर को बुलाएंगे एंड सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो भाई बहुत जल्दी बढ़ेगा। सोच के यहाँ से सब अपना फ्रेंड को निकाल दिया और मैं यहाँ पे सोलो रह गया, उसके बाद मैं रैंडम फ्रेंड को बुलाने लगा। बहुत टाइम भाई वेट करने के बाद एंड उतना कोशिश करने के बाद एक प्लेयर मिलता है ऐसा कि वो बोलता है हाँ भाई मैं चलो सब्सक्राइब कर दूंगा एंड मेरे को
नहीं पता मेरा सब्सक्राइबर कितना है, क्योंकि भाई चारों बंदे मेरे लगे पड़े हैं एंड ग्रुप से जाके सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है। अभी तो ये बंदा बोल दिया हाँ भाई सब्सक्राइब कर दूंगा, तो अपना यूट्यूब चैनल का नाम दे दिया बंदे को एंड मैं वेट करने लगा कब ये ओके बोलेगा एंड वो सब्सक्राइब करके आएगा। तो जैसे ये माइक ऑन करके बोल दिया मैंने सब्सक्राइब कर दिया, तो फटाफट आता हूँ अपने YT स्टूडियो पे एंड फाइनली हमारे यहाँ पे 35 सब्सक्राइब हो जाते हैं, हमारा फ्रेंड्स अभी करवा रहा है, दिक्कत की बात नहीं, ये वाला सब्सक्राइब हो गया फिर नेक्स्ट वाले ग्रुप में भी निकल जाते कि बहुत ज्यादा मेरे को सब्सक्राइब अभी और भी कराना है। फिर से हम लोग सारे एक फ्रेंड आ जाते हैं एक साथ एंड एक प्लेयर आता है जो कि रैंडम प्लेयर था एंड शायद से मेरा फ्रेंड का फ्रेंड था, तो उनने बोला मैं सब्सक्राइब कर दिया। जैसे बोला मैं फटाफट आता हूँ पीछे एंड देखता हूँ भाई फाइनली फिर से हमारा सब्सक्राइब एक बढ़ जाते हैं और देखते थे हमारे यहाँ पे 37 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। अब इतना तो हो रहा था, मेरा टीम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा था जिसके कारण एक एक करके बहुत जल्दी हमारा सब्सक्राइबर बढ़ रहा था। अब थोड़ी देर बाद हम लोग फिर से ग्रुप में आते हैं एंड एक दूसरे से बात ही कर रहे थे भाई किसने कितना सब्सक्राइबर बढ़ाया, वो सब तो बहुत ज्यादा बोल रहा था एंड उतना हो नहीं रहा था भाई, ऐड ही नहीं हो रहा था कितना कौन सब्सक्राइबर बढ़ाया। वो होता है रैंडम प्लेयर का गलती कि वो बोल के जाता है हाँ भाई सब्सक्राइब कर दूंगा बट वो करता ही नहीं है। तो यहाँ पे तो मैं चेक करने वाला हूँ मेरा कितना सब्सक्राइब हुआ है, कि मेरा फ्रेंड सब बोला है भाई अच्छा खासा सब्सक्राइब हो गया होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइब बढ़वाया हूँ। तो यहाँ पे तो मैं चेक करने वाला हूँ कितना मेरा अभी तक टोटल सब्सक्राइबर हुआ है। उसके बाद जैसे मेरा फ्रेंड बोलता है भाई सही से चेक करो मेरा यहाँ पे अच्छा खासा सब्सक्राइबर मैंने बढ़ाया एंड यहाँ पे फिर से मैं YT स्टूडियो पे आता हूँ और जैसे ही सर्च होता है लिटिल वे यहाँ पे मेरा 39 सब्सक्राइबर हो जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। फिर मेरा फ्रेंड सब ऑफलाइन चलाया था लेकिन हाँ एक फ्रेंड मेरा बोल गया था कि आपको कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ एंड लिटरली मेरे को ये नहीं पता था भाई ये चैलेंज के साथ मेरे को सरप्राइज दे सकते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, वो बंदा बोल गया था मैं थोड़ी देर में आपको सरप्राइज देने वाला हूँ और वही बोल के वो ऑफलाइन चला जाता है। अब जैसे मैं भाई थोड़ी देर बाद देखता हूँ अपना सब्सक्राइबर कॉइन करके जो की वीडियो एडिटिंग के टाइम पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरा 51 सब्सक्राइब हो जाता है। जो कि शायद मेरे को वही सरप्राइज दिया होगा एंड बाद में उसे पूछता तो भाई लिटरली वही बोल रहा भाई आपका ये सरप्राइज था, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और हाँ गाइस वीडियो इसको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और भाई यहाँ तो वीडियो देख रहे थैंक यू एंड अभी तक जिसने लाइक नहीं करा भाई लाइक कर देना कि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है और भाई शेयर भी कर सकते हो। तो भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टेक केयर।